कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मतदान के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के स्वीप नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज के निर्देशन में 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया। गौरतलब है 2018 के विधानसभा चुनाव में बिलाईगढ़ विधानसभा से मतदान करने वालों के आंकड़ों में कमी पाई गई थी, इसलिए मतदाताओं को जागरूक करने सहित मतदाता सूची में नाम जोड़ने व कुछ त्रुटियों को संशोधित करने के लिए जागरूक किया। और इस दौरान सरसीवा से लेकर नगर पंचायत भटगांव तक स्कूली छात्र छात्राओं और महिला समूहों का मानव श्रृंखला तैयार की गई, जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल होकर मार्गों में चलने वाले लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के अलग अलग ड्रेस ने भी सबको आकर्षित किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों 15 किलोमीटर तक बनी श्रृंखला का हिस्सा बनने छात्र छात्राओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर जागरूकता आपको बता दें जागरूक करते नजर आए। अंतिम कड़ी में नगर पंचायत भटगांव के स्वामी आत्मानंद विद्यालय के पीछे बने खेल मैदान में कार्यक्रम का समापन किया, जहाँ सभी छात्र छात्राओं का अनोखा श्रृंखला तैयार की। इस श्रृंखला में हम सब वोट देंगे बिलाईगढ़ 43 प्रदर्शित हुआ। साथ ही संकल्प पत्र का वाचन करते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संकल्प लिया गया। सर आज जो है मानव श्रृंखला हमारा जो बिलाईगढ़ विधानसभा है, तो पिछला जो 2018 का जो विधानसभा चुनाव है वहाँ स्टेट एवरेज हमारा वोटिंग परसेंट कम था, और इस बार भारत जो निर्वाचन आयोग उनका निर्देश है कि हम वोटिंग परसेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और क्योंकि नगरीय इलाका में लोग कम आते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस था सरसीवा से भटगांव तक, ताकि ये कस्बा हैं और नगर पंचायत हैं, यहाँ पर लोगों को जागरूक करें। इसके लिए हम लोग आज 15 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बच्चों से और महिलाओं से युवाओं से बनाए थे, और जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल हुए थे। हमारा उद्देश्य कि सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाएँ और मतदान में लगभग 10% लोग मतलब हिस्सेदारी करें और मतदान दें। हाँ, ये प्रोग्राम हमारा 2 अगस्त से चालू हो गया है, ये लगातार जब तक हमारा आज मतलब चुनाव नहीं होता तब तक हमारे ये जारी रहेगा। अलग अलग बात जी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम प्रतिदिन मतदाता जागरूकता के संबंध में स्वीप की गतिविधियां कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहा है। इसमें हम नए मतदाता जो हमारे 18+ होने वाले हैं उनकी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने दिया, जो शिफ्टेड है उनका फॉर्म 8 के तहत संशोधन करने इत्यादि का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सरसीवा से भटगांव तक 15 किलोमीटर की मानव श्रृंखला जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल हुए हमने तैयार किया है, और जिसका समापन अभी हम इस भटगांव के आत्मानंद विद्यालय में कर रहे हैं।